press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, प्रॉपर्टीज नंबर 8 है ना। देखिएगा यहाँ पे दिया हुआ है, इफ इच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट इज एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ टू और मोर टर्म्स, देन द डिटरमिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ टू और मोर डिटरमिनेंट्स। इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई डिटरमिनेंट दिया गया है और उस डिटरमिनेंट के रो, किसी रो अथवा किसी कॉलम में यदि दो या दो से अधिक टर्म है, तो जितना टर्म है उतना डिटरमिनेंट के योग के रूप में हम लोग उसको व्यक्त कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, कोई डिटरमिनेंट यहाँ पे दिया हुआ है ए वन प्लस लेमडा वन, ए टू प्लस लेमडा टू, ए थ्री प्लस लेमडा थ्री, बी वन बी टू बी थ्री, सी वन सी टू सी थ्री, ये कोई डिटरमिनेंट है। हम लोग देख रहे हैं कि इस डिटरमिनेंट के पहले रो में दो दो टर्म दिया गया है, तो हम लोग करेंगे क्या कि सब पहले वाले टर्म से एक डिटरमिनेंट बनाएंगे और दूसरे वाले टर्म से एक डिटरमिनेंट बनाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे ए वन बी वन सी वन, ए टू बी टू सी टू और ए थ्री बी थ्री सी थ्री मिलकर एक डिटरमिनेंट यहाँ पे बन गया। ए वन बी वन सी वन, ए टू बी टू सी टू और ए थ्री बी थ्री सी थ्री मिलकर एक डिटरमिनेंट बना। उसके बाद लेमडा वन बी वन सी वन, लेमडा टू बी टू सी टू और लेमडा थ्री बी थ्री सी थ्री मिलकर ये डिटरमिनेंट बना। इस डिटरमिनेंट को सोल्व कीजिए और इस डिटरमिनेंट को सोल्व कीजिए, दोनों का रिजल्ट जो है आपस में बराबर ही आता है ना। अब आइए इसको हम लोग प्रूफ करेंगे, तो इसका प्रूफ देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है ये। देखिए इसका प्रूफ देखिए, जैसे मान लिया कोई डिटरमिनेंट है ए वन प्लस लेमडा वन, ए टू प्लस लेमडा टू, ए थ्री प्लस लेमडा थ्री, उसके बाद बी वन बी टू बी थ्री, सी वन सी टू और सी थ्री है ना। जैसे ही इस डिटरमिनेंट को आप एक्सपेंड कीजिएगा तुरंत आपका यही रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। जैसे देखिए इसको हम लोग फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करते हैं, लिखेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग आर वन, आर वन से यानी फर्स्ट रो से एक्सपेंड करने पर, फर्स्ट रो तो आपका ये है ना। अब चलिए ये हो जाएगा ए वन प्लस लेमडा वन, होगा ना ए वन प्लस लेमडा वन को जैसे आप डिलीट कीजिएगा, यहाँ से मिटाइएगा, मिटाने से हम लोग को एक टू बाई टू का डिटरमिनेंट मिलेगा, बी टू सी थ्री और सी टू बी थ्री, बी टू बी थ्री सी टू सी थ्री। प्लस के बाद आता है माइनस, हो जाएगा ए टू प्लस लेमडा टू। यहाँ पे आइए इस रो को और इस कॉलम को हम लोग डिलीट करेंगे, हो जाएगा बी टू बी थ्री, सॉरी बी वन बी थ्री और ये सी वन सी थ्री, प्लस माइनस प्लस, ये होगा ए थ्री प्लस लेमडा थ्री इंटू। अब देखिए इस रो को और इस कॉलम को डिलीट करेंगे तो बचेगा बी वन बी टू सी वन सी टू, यहाँ पे लिखिए बी वन बी टू सी वन सी टू। अब आगे बढ़िए, यहाँ पे रिजल्ट आप डेल का निकाल रहे हैं, हो जाएगा ए वन प्लस लेमडा वन इंटू, इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, बी टू सी थ्री माइनस सी टू बी थ्री, बी टू सी थ्री माइनस सी टू बी थ्री, ये हो जाएगा माइनस ए टू प्लस लेमडा टू इंटू, ये देखिए हो जाएगा बी वन सी थ्री माइनस सी वन बी थ्री, तो यहाँ पे लिखेंगे बी वन सी थ्री माइनस सी वन बी थ्री, ये होगा प्लस ए थ्री प्लस लेमडा थ्री इंटू, इसका रिजल्ट हो जाएगा बी वन इंटू सी टू माइनस सी वन इंटू हो जाएगा बी टू। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, तो अब हम काम यही करेंगे कि ए वन से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में और उसके बाद लेमडा वन से ही मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में, फिर ए टू से भी मल्टीप्लाई करेंगे, लेमडा टू से भी मल्टीप्लाई करेंगे,
A3 से भी मल्टीप्लाई करेंगे और लैम्डा 3 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो आइए यहाँ पे देखिए, ये हो जाएगा A1 इनटू, ये होगा B2 C3 माइनस C2 B3। ध्यान देंगे थोड़ा, A1 इनटू B2 C3 माइनस ये C2 B3। उसके बाद फिर हो जाएगा प्लस लैम्डा 1 इनटू, ये कितना हो जाएगा, ये होगा B2 C3 माइनस C2 B3। यहाँ पे देखिए A1 इंटू दिस और फिर लैम्डा 1 इंटू दिस माइनस A2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बचेगा, तो ये बच जाएगा माइनस ये B1 C3 माइनस C1 B3, फिर माइनस लैम्डा 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो रिजल्ट आ जाएगा B1 C3 माइनस C1 B3। उसके बाद फिर हम A3 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन प्लस A3 इंटू आएगा B1 C2 माइनस C1 B2। उसके बाद फिर प्लस लैम्डा 3 इंटू B1 C2 माइनस C1 B2। यहाँ तक हम लोग बनाए ना। अब इसके बाद हम लोग करेंगे क्या कि अब इससे हम लोग देख लीजिएगा, A1 यहाँ पे है, A2 और यहाँ पे है A3, है ना, A1 A2 और A3 वाला, ये तीनों को एक साथ रखेंगे और लैम्डा 1 लैम्डा 2 और ये क्या है लैम्डा 3, ये तीनों को हम लोग एक साथ रखेंगे। तो इसे होगा क्या कि फर्स्ट वाला माने A1 फिर A2 और ये A3, ये तीनों मिलाकर एक डिटर्मिनेंट आपको मिलेगा। कौन सा डिटर्मिनेंट मिलेगा, तो मिलेगा A1 A2 A3, फिर यहाँ पे मिलेगा B1 B2 B3, यहाँ पे C1 C2 C3, ये तीनों को मिलकर, है ना। उसके बाद ये लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लिख दीजिए, प्लस आएगा लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3। उसके बाद आएगा B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो यही जो रिजल्ट आया आप सॉल्व किए तो किसका रिजल्ट है, आप तो डेल को सॉल्व कर रहे थे ना, इसी डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर रहे थे, ये डेल का रिजल्ट आया और ये जो रिजल्ट था सो डेल 1 में था, यानी डेल बराबर डेल 1। वैसे जनरली आप चाहें तो जैसे इसको सॉल्व किए तो ये रिजल्ट आया, तो आप इसको भी सॉल्व कीजिए और इसको भी सॉल्व कीजिए, दोनों को जोड़िएगा तो यही रिजल्ट आएगा, है ना। तो ये डेल बराबर डेल 1 आया। अब आइए हम लोग प्रॉपर्टीज नंबर 9 के बारे में चर्चा करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है।